आपको पता लग गया ये एक का कुएं का पानी है, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा धंधन सदगुरु सिरसा और जगमाल वाली, और ये गंगुआ के अंदर 600 मस्ताना, ये भी वहीं से निकला हुआ है, और ये कृपाल सिंह जी का मिशन है जो दिल्ली में, और साथ में वो जो जयमल सिंह जी ने चलाया ब्यास से आगरा से, सब एक ही कुएं का पानी है, और यही जल है उनके पास, यही ज्ञान है जो आपको बताया जा रहा है। अब ये कहते हैं कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वह सतपुरुष नहीं है, और आत्मा जब उसमें पहुंच जाती है तो ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी जैसे डूब कर मरना होता है। तो पुणात्मा पहले तो ये इंटरेस्ट किसी का हो नहीं कि उसमें जाकर मरा डूब के उसमें एक रस हो जावे। यही प्रत्यक्ष उदाहरण बता दिया, अगर कोई नौका समुद्र में भगवान है चलो छलांग लगाओ, कितने मरेंगे, एक आधा बोड़ा वैसे चला जाओ उसमें, नहीं तो समझदार व्यक्ति नौका हुआ विवाह भगवान को तो कहते उसके दर्शन करते हैं, उसके रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसी रोशनी है परमात्मा की वाणी में, तो ऐसा लिखा कबीर जी की वाणी में, और वहाँ चले गए हंस उसके चौर करते हैं भगवान के, फिर निराकार के चौर कैसे करेंगे। और फिर ये बताते हैं कि एक समय सावण सिंह जी ने कथा सुना रखी है कि एक इंद्रमती नाम की रानी थी, और कबीर साहब के समय में हुई, वैसे तो इन्हें पता ही नहीं कहेंगा वो कब हुई थी, कब परमात्मा आए थे, फिर भी इन्होंने जैसा जोड़ जुगाड़ करके ज्ञान दिया वो ज्ञान समझते हैं। और रानी इंद्रमती कबीर साहब की शिष्या थी, कबीर साहब तो पहले जाकर समुद्र में लीन हो गए उस सतपुरुष में, और पीछे थे इंद्रमती रानी जब गई तो ये क्या बताते हैं, उसमें डूब का मरण गई जब हुआ पीछे से, तो वहाँ क्या देखा कि कबीर साहब को की पदवी देखी वहाँ पर, वो तो सतपुरुष है, तो वहाँ इंद्रमती रानी कहती है कि हे भगवान आप सचमुच आप तो अकाल मूर्त हो, आप तो सतपुरुष हो, और मुझे पहले पता चल जाता तो मैं आपकी सेवा नहीं करती। अब देखो इनकी अकल, इनके विधान अनुसार, राधा स्वामी वालों के विधान अनुसार, जय गुरुदेव वालों के विधान अनुसार, यदि ये माने कि वो पहले कबीर साहब लीन हो गए सतपुरुष में उस नूर में समुद्र में, और पीछे इंद्रमती उसमें समागी, तो फिर बात कैसे करी उन्होंने वहाँ जाके, वो तो खत्म हो गया अस्तित्व, बूंद ने समुद्र में डाल के फिर बतला उसका अस्तित्व बताओ दूसरा कैसे हो गया, फिर वहाँ कबीर साहब को देखा कैसे सतपुरुष रूप में। वास्तविकता ये है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड, यह सतपुरुष है अविनाशी गॉड, और ये वहाँ परमात्मा अपने करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा से रोमकूप की एक शोभा ऐसा रूप है मालिका, और वहाँ जाके इंद्रमती ने सचमुच देखा परमात्मा आप तो सचमुच सतपुरुष ही थे, हमारी बुद्धि इतना काम नहीं कर रही थी, हम आपको पहचान लेते। वास्तविकता तो ये सच्ची है, लेकिन इनकी छुरी गलत है कि वो भी कबीर साहब पहले लीन हो गए, पाछे इंद्रमती रानी लीन होगी, फिर वो बतलाओगे क्योंकि आपस में बातें कैसे करेंगे, लेकिन इनका अज्ञान और करोड़ों अनुयायी इन नकलियाँ के पीछे लाग रहे हैं, इनको परम धनी मान के, क्योंकि श्रद्धालुओं की श्रद्धा ये होती है गुरु जी जो बोलने वह सही है, इसका दुरुपयोग किया इन नकलियों ने, इनको बर्बाद कर डाला, बोली आत्माओं का जीवन नष्ट कर दिया। अब देखो सावन सिंह जी के वचन, संत मत भाग प्रकाश चार, इसके ही 264 पृष्ठ पर लिखा है, 264 पृष्ठ पर आप देखेंगे, 264 पृष्ठ संत मत भाग प्रकाश चार है। एक सत्संगी ने सावण सिंह जी से पूछा, सावण सिंह जी कौन है, ये हैं सच्चा सौदा के खेमामल सिंह सामस्ताना बिलोचिस्तानी के गुरु जी, ये सावण सिंह जी। इससे प्रश्न किया सत्संगी ने, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है, महाराज जी सावण सिंह जी उत्तर देते, हमारे इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके, फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी, पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, देखना, फिर रानी हुई, जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया,
तुमको उसमें विश्वास नहीं आना था। अब इसमें विवेचन करते हैं पुणात्मा, इन राधा स्वामी पंथ के अज्ञानी संतों की तो सोच है, विचार है कि सतपुरुष वहाँ नहीं है, निराकार है और केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, और उनने अपने सिद्धांत अनुसार सच्चाई को अज्ञान बना करके कैसे पेश करना चाहा है, लेकिन फिर भी छुपी नहीं। कहते हैं चोर चुरावे तुम्बड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे, नो सच्चाई छानी ना। अब विचार करो इनके विधान अनुसार, ये कहते हैं पहले कबीर साहब जाके मालिक में विलीन हो गए, बूंद गिर गई समुद्र में, खत्म हुई अस्तित्व, और फिर कहते पीछे तो रानी जाके विलीन होगी उसी में, दोनों हो गए एक रस। फिर वो बातें किस टाइम की, कबीर साहब को देखा कैसे उसने, वहाँ कुछ अस्तित्व है नहीं तो देखा कैसे। सच्चाई तो यही है कि सचमुच कबीर साहब वहाँ परमात्मा स्वरूप सतपुरुष रूप में ये खुद ही मालिक हैं, जैसे स्वामी रामानंद जी ने कहा दोहु ठोड़ है एक तू और भया एक से दो, और गरीब दास हम कारणे आए हो तुम मगजो। ईश्वर भी कहते हैं कबीर परमेश्वर हम ही अलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालक धनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं, कबीर साहब कहते हैं अधर रहूं ऊपर और मेरा नाम कबीर। और ये अज्ञानी कह रहे हैं कि कबीर साहब पहले लीन होगे पाछा निंद्रमती होगी, फिर बातें किस कैसे करी उन्हें, अरे कुछ तो दिमाग पर जोर दो। चलो वो पहले वाले तो गए बाढ़ में, अब तो तुम तो बचो, शेष जो बचे फंस रहे उनके नकलियों के पीछा छुटाओ और अपना कल्याण कराओ, ये बार बार समय नहीं मिलता। अब एक तो यहाँ प्रमाण दे रखे उन्होंने, और दिखाते हैं 189 पृष्ठ पे इसी के संत मत प्रकाश भाग 4 के 189 पृष्ठ पे देखो। अब सावन सिंह जी उत्तर दे रहे हैं, इसी तरह रानी इंदुमती थी, जब उसको कबीर साहब सचखंड ले गए तो उसने वहाँ जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। कहती हैं हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूँ तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती। कहते हैं तुझे विश्वास नहीं आता, अब तू यहाँ आ गई है, तेरी मर्जी कह ले। अब ये सच्चाई है, ये तो वार्ता सही एज इट इज इंद्रमती और कबीर जी की उनके इंद्रमती वाली कथा में लिखी, ये तो सही है, ये तो उन्होंने ले ली सही कि कबीर इज गॉड सचमुच, और वहाँ इनकी अपनी अज्ञान थ्योरी को सिद्ध करना भी चाहा साथ में इस कथा के साथ। 264 पृष्ठ पे इसी संतमत भाग 4 के उसमें इन्होंने कोशिश की है ये बताने की कि पहले कबीर साहब लीन हो गए और पाछे तो फिर इंदुमती जाकर उसमें समुन्द्र में बूंद की तरह समा गई, और फिर वो बातें कर रहे हैं, अरे कर्महीनो अरे ज्ञानहीनो। कहते हैं परमात्मा कबीर जी कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनको फेरा मोतिया भंदरे। ये दिखे थे महर्षि बड़े बड़े विद्वान मंडलेश्वर परम धनी पहुंचे हुए हैं सचखंड मजा, इनका सतनाम में गाना समझ माई न जाएंगे कहाँ ये। इसी कारण से वो शिवजाल जी प्रेत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, आप दिखाएंगे आपको सत साहिब।